हे गाइस, हम सभी जानते हैं नीट रिज़ल्ट आ चुका है और लगभग 20 दिन हो चुके हैं नीट रिज़ल्ट को आए हुए। और हम सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए आज मैं उन 6-7 फैक्टर्स की बात करूंगा जो आपको कॉलेज चूज़ करने में हेल्प करेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो कॉलेज आपको चाहिए वही कॉलेज आपको मिलेगा। जैसे कि नीट 21 के अंदर मेरी रैंक 3161 थी और मुझे एम्स गोरखपुर मिला। मैंने काफ़ी रिसर्च करके एम्स गोरखपुर लिया था और मैं अब बहुत खुश हूँ कि मुझे एम्स गोरखपुर मिला। और क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता भी है कि इससे बेस्ट मुझे कोई कॉलेज मिल नहीं सकता था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टोटल 8 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, बॉन्ड। जैसे ही आप कॉलेज ज्वाइन करोगे वैसे ही आपको ये बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। बॉन्ड होता क्या है? बॉन्ड एक्चुअली 2 से 5 साल की सर्विस है जो आपको रूरल एरिया में देनी पड़ेगी। और अगर आप देना नहीं चाहते तो आपको कम से कम 2 से 7 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। कुछ स्टेट्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि एम्स और BHU जहाँ पे आपको कोई बॉन्ड साइन नहीं करना पड़ता। और अगर आप इन कॉलेजेस से अपनी MBBS कंप्लीट करते हैं तो आप बाकी के स्टेट कॉलेज वाले स्टूडेंट से एक स्टेप आगे हो जाएंगे। और इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि आपकी MBBS, MD, MS एंड सुपर स्पेशलिटी जो डिग्री है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और जिस चीज़ के लिए आप डॉक्टर बने थे वो चीज़ आप अब सर्व कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट है होम टाउन। अब UG लाइफ में एक्चुअली होता क्या है कि पहली बार हॉस्टल में रहने आए होते हैं तो काफ़ी टर्न्स एंड ट्विस्ट आते हैं, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ। और इस वजह से आप काफ़ी परेशान रहते हैं। अगर आप होम टाउन में हैं तो आपको पेरेंट्स को देखकर काफ़ी इमोशनल सपोर्ट मिलता है जिसकी वजह से आप वापस से अपने लो टोन को हाई टोन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अगर मैंने पॉजिटिव पॉइंट बताया तो एक नेगेटिव पॉइंट भी। जब आप अपने होम टाउन में रह रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आप फिर अपने कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रहोगे। और अगर आप कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रहोगे तो MBBS कॉलेज लाइफ के 5.5 ईयर्स जो कि सबसे मार्वलस माने जाते हैं अपने पूरे डॉक्टर लाइफ के अंदर, वो आप मिस कर दोगे जो कि सबसे बेस्ट होते हैं हॉस्टल्स के अंदर। हाँ, एक बात और, डिस्टेंस। जैसे कि मैं अपना खुद का बताऊँ, मेरा होम टाउन जयपुर है और मैं एम्स गोरखपुर में आया हूँ, तो मेरा जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर्स का है जिसकी वजह से मुझे आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। पर ये भी दोस्तों की वजह से काफ़ी अच्छा हो जाता है। पर लेकिन अगर गलती से कभी मुझे इमरजेंसी के अंदर अकेला जाना पड़े तो वो बहुत बेकार है। नेक्स्ट पॉइंट है फीस। फीस एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से ज़्यादातर बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो 10 से 12 गुना ज़्यादा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। पर अमेजिंगली ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स जैसे कि एम्स और MAMC है जिनकी टोटल फीस हॉस्टल वगैरह सब मिला के 5.5K के आसपास है। अब इसमें एक मैं नया पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि अभी NMC रूल फॉलो होने वाला है तो उसमें 50% ऑफ प्राइवेट सीट्स जो है उन पर गवर्नमेंट फीस लगने लगेगी। अकॉर्डिंग टू मी जो गवर्नमेंट फीस होगी वो सिर्फ ट्यूशन फीस होगी, बाकी के हॉस्टल चार्जेस, लाइब्रेरी चार्जेस, लेबोरेटरी चार्जेस ये सब शायद प्राइवेट कॉलेज डिसाइड करेगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी कंसिडर्ड बिफोर गोइंग इन इज द कैंपस। सो देर आर द 3 बेसिक थिंग्स यू शुड कंसिडर। पहला कॉलेज बिल्डिंग, सेकेंड हॉस्पिटल बिल्डिंग, थर्ड हॉस्टल एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। ये चीज़ मैंने इसलिए बोली है क्योंकि नए एम्स के अंदर ना तो कॉलेज बिल्डिंग होती है और ना ही हॉस्पिटल बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पे सिर्फ धूल उड़ रही होती है। और इसका पता आप ये कर सकते हो कि जो नए एम्स हैं वहाँ पे सिर्फ 50 सीट्स होगी और वहाँ पे आपको आपकी जो क्लासेस किसी और कॉलेज में जाके लेनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे कॉलेज बिल्डिंग तो बनी ही नहीं है। थर्ड पॉइंट जो मैंने बोला हॉस्टल और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, उसके अंदर हॉस्टल्स के अंदर एक्चुअली मेरे पर्सनली ये चीज़ है कि मुझे वैसे हॉस्टल्स पसंद नहीं है कि पपड़ी गिर रही है, पानी गिर रहा है, वैसे हॉस्टल्स पसंद नहीं है। और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जिनको स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है। वैसे बहुत कम टाइम मिलता है पर लेकिन जिनको खेलना पसंद है वो टाइम निकाल ही लेते हैं। इन 3 चीज़ों का जरूर ध्यान रखना क्योंकि यही वो जगह है, वही कैंपस है जहाँ पर आप अपने 5.5 ईयर्स अपनी पूरी लाइफ के बिताओगे। यहीं आप सारी अपनी फन एक्टिविटीज़ करेंगे, स्पोर्ट्स खेलोगे और फेस्ट होंगे, इसलिए इन 3-4 पॉइंट्स का ध्यान रखें। इसीलिए मेरी एक एडवाइस है कि जो भी आप कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं उसको जाके विजिट कराओ। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है कि आपके हॉस्पिटल जो कि आपके कॉलेज से एफिलेटेड है उसके अंदर कितना पेशेंट लोड है। मेनली ये डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज पर्टिकुलर किस सिटी के अंदर है। इससे फ़ायदा ये मिलता है कि अगर आपकी बिग सिटी है, बिग सिटी होने की वजह से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस मिलेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस मिलेंगे तो ये भी हो सकता है कि आप अपने शुरुआती 2nd 3rd ईयर के अंदर एक रेयर केस को ट्रीटमेंट दो। इसलिए ये पॉइंट ज़रूर कंसिडर करें कि आपके हॉस्पिटल और कॉलेज के अंदर कितना पेशेंट लोड है। नेक्स्ट पॉइंट है PG कोटा।
और ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो कि अभी तक जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए उन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप MBBS करने के बाद, नीट PG देने के बाद जब अपनी PG सीट्स लेंगे तो ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उस समय के PG कोटा के लिए आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा PG कोटा लेना। अब ये PG कोटा टोटल दो तरीके के होते हैं, पहला जो कि स्टेट प्रोवाइड करते हैं, दूसरा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं। जो स्टेट कोटा होता है उसके अंदर 50% ऑफ सीट्स आपके स्टेट की रिजर्व हो जाती है आपके लिए, अगर आपने उस स्टेट से MBBS की है। दूसरा है एम्स और जिपमर। एम्स और जिपमर में 20% ऑफ सीट्स आपकी रिजर्व रहती है और ये इंस्टीट्यूशन होती है। तो मान लीजिए आपने MBBS एम्स गोरखपुर से किया है, जब आप PG करने आएंगे तो आपकी जो PG सीट्स है एम्स गोरखपुर की उसकी 20% आप लोग के लिए रिजर्व रहे। अगला है BHU। BHU के अंदर ऑलमोस्ट 50% सीटें रिजर्व रहती हैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए, इसको इंस्टीट्यूशनल कोटा बोलते हैं, जो कि एम्स और BHU है। 8th पॉइंट है लैंग्वेज बैरियर। सेकेंड थर्ड ईयर में आने के बाद जो स्टडी होती है कॉलेज में नहीं होती, वो फिर OPD में होती है, क्योंकि अब अपने को प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए कि अपन किस तरीके से अपनी डॉक्टर की एक्सपीरियंस को इंक्रीज कर पाएं। इसीलिए अपन OPD में जाके पेशेंट्स देखते हैं। पेशेंट जनरली जो होते हैं वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, वो अब तो इंग्लिश बोलेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तो वो लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। और लोकल लैंग्वेज के अंदर फिर आपको या तो वो लैंग्वेज पहले से आनी चाहिए या फिर आपको 6-7 महीने में वो सीखनी पड़ेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रख। तो चलिए आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं, और काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके।